श्री राम समर्थ अक्टूबर 13 निष्ठा प्रबल हो। पोथी का वाचन समाप्त होने पर समझना चाहिए कि श्रवण समाप्त हुआ और अब उसे आचरण में उतारने का समय आया है। पोथी सुनने का बदला पंडित जी को पैसे देने से नहीं होता, बदला ऐसा होना चाहिए कि जिससे दोनों का कल्याण हो। भगवान की भक्ति करना ही सच्चा बदला है। दुनिया में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम उन्हें झूठ नहीं मानते। हम अपने अल्प ज्ञान का अभिमान करते हैं, यह हम भूल करते हैं। भगवान ने हमें ज्ञान दिया और हम उसका अभिमान करने लगे तो यह वैसा ही हुआ कि हाथ में तलवार दी गई तो उससे शत्रु का सिर काटने के बदले हमने अपनी ही गर्दन काट ली। जिस विद्या से हमें अपना हित समझ में नहीं आता वह विद्या नहीं है अपितु अविद्या ही है। जो सच नहीं है वह सच लगे यह अज्ञान ही है। इसलिए अविद्या और अज्ञान दोनों समान ही हैं। परमात्मा के स्वरूप में हम जो शंका करते हैं यह हमारा अज्ञान ही है। भगवान हमें और हमारे कार्यों को देखते हैं, इसका भान होना ही ज्ञान है। हरेक मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए जितना आवश्यक होता है उतना भगवान देता ही है। अतः जितना हमें मिला है उसमें संतोष मानना चाहिए। जिसका संतोष भगवान पर निर्भर है उसका संतोष सदा के लिए बना रहेगा। अपनी निष्ठा इतनी बलवान हो कि जिससे हमारा संतोष दृढ़ रहेगा। हरिश्चंद्र, प्रहलाद आदि बड़े बड़े लोगों पर कितने अत्याचार हुए, किंतु उनकी निष्ठा कुछ ऐसी जबरदस्त थी कि वे उन अत्याचारों से सकुशल पार हो गए। परिस्थिति लगातार बदलती रहती है, इसलिए जो फल आज हम चाहते हैं वह कल भी हमारे लिए सुखकर होगा इसका कोई विश्वास नहीं। अतः जो फल मिलेगा उसमें संतोष मानना चाहिए। गीता में ऐसा कहा गया है कि सभी धर्मों का त्याग करे लेकिन भगवान की शरण जाए, किंतु वह न करते हुए हम विषय की शरण जाते हैं, इसे क्या किया जाए। अर्जुन ने भगवान को अपनी ओर ले लिया जिससे पांडवों का संतोष बना रहा, वैसा संतोष कौरवों को प्राप्त नहीं हुआ। पांडवों ने देर से वनवास भोगा लेकिन मन में भगवान का भजन चल रहा था, अतः वनवास में भी संतोष टिका रहा। भगवान की इच्छा से सब होता है और वही सभी बातों का करता है, ऐसी भावना रखने जैसा कोई दूसरा संतोष नहीं है। आनंद कृति करने में है, फल की आशा में नहीं है। नामस्मरण करना कृति ही है, वह कृति करने पर हमें शाश्वत आनंद और संतोष मिलेगा ही। जो होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, ऐसी सच्ची भावना जो साल भर बनाए रखे उसे संतोष क्या है यह निश्चय ही ज्ञात होगा। आज के मुख्य विचार, नामस्मरण करते समय भगवान से कहे, गृहस्थी का मुझे कुछ भी मत दे लेकिन मुझे तुम्हारा प्रेम प्राप्त हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।